नमस्कार, मैं नवीन राजपाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। भवानी मंडी भारत सरकार द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को व गर्भवती धात्री माताओं के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत परियोजना भवानी मंडी में पोषण माह का समापन कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधान सुल्तान सिंह के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा छोटे बच्चों का अन्न प्रशासन व गर्भवती महिलाएं की गोद भराई की रस्म का आयोजन भी किया गया। माधव सिंधिया की पुण्यतिथि पर नगर ब्लॉक के कांग्रेस के द्वारा पुरानी सब्जी मंडी स्थित माधवराव सिंधिया कॉम्प्लेक्स में उनकी प्रतिमा की साफ सफाई करके माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कालूलाल सालेचा, चेतराज गहलोत, राकेश मकवाना, वरुण मीणा, अख्तर अली, बेजराज सिंह चौहान, सोनू कुमार, राजेंद्र बेरवा, राकेश थावरिया, अंचल व्यास, संदीप सिंह परमार, गौरव व्यास आदि उपस्थित रहे। यह जानकारी गणेश सालेचा ने दी। भवानी मंडी राजस्थान के सभागार में एक सादे समारोह में सफाई कर्मचारी कस्तूरीबाई पत्नी सूरजमल नरवाल को उनकी सेवानिवृत्त पर दी गई भावभीनी विदाई। नगर पालिका भवानी मंडी की ओर से पुखराज मीणा, मनीष शर्मा, संदीप कासवानी के अलावा पार्षद पी हरीश राठौर, राकेश फुकाना, राम बेरवा, वरुण मीणा सभी नगर पालिका जमादार कर्मचारी मौजूद रहे। भवानी मंडी सिंचाई विभाग में कार्यरत जयंत शशि चतुर्वेदी के अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें बधाई दी गई। शशि चतुर्वेदी ने सिंचाई विभाग में जयंत की पोस्ट पर झालावाड़ कोटा में भवानी मंडी में रहकर वर्षों से अपनी निर्विरोध नौकरी का बहुत ही कुशलता व ईमानदारी के साथ निभाकर विभाग को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। उनके ही प्रयास से बने विभाग के कैंपस में बने नवनिर्मित हॉल में विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर ने साफा पहनाया और सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने शशि को फूल मालाओं से लाद दिया। भवानी मंडी में किसान ने बाइक रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे। तहसील में 2 घंटा धरना देकर तहसील को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह मोयाखेड़ा ने बताया कि बुआई के बाद 25 दिन तक बारिश ना होने से कई किसानों को बीज नष्ट हो गए। जब बारिश हुई तब लगातार बारिश होने से फसलें जहां की तहां रह गई, कहीं कहीं थोड़ी बची हुई है तो कहीं अभी पक चुकी है। अब जो लगातार यह बारिश हुई है इससे पूर्णतया नष्ट हो चुके किसानों का 80 से 90% खराब हुआ है। अभी तक कोई खराबा दर्ज नहीं किया गया। भारतीय किसान संघ शासन प्रशासन से मांग करता है कि जमीनी स्तर पर सर्वे करवा कर किसानों को उचित मुआवजा बीमा क्लेम दिलवाया जाए। रघुराज सिंह ने बताया कि समय रहते यदि किसानों को मुआवजा बीमा नहीं दिलवाया गया तो भारतीय किसान संघ आगामी रणनीति जिला स्तर पर बनाकर बड़ा आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। भवानी मंडी में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ में परम पूज्य साध्वी श्री धैर्य निधि श्री जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से महावीर युवा मंच के तत्वाधान में विश्व दर्शन की अद्भुत झांकियां 3D प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाई गई। साथ ही बाल मेले का आयोजन भी किया गया। बाल मेले में अनेक प्रकार के स्टॉल लगाए गए, जिसमें सभी लोगों ने चटपटे व्यंजनों का आनंद लिया। समाज अध्यक्ष अशोक लोढ़ा ने बताया कि कार्यक्रम में महावीर युवा मंच, सूरज रत्न, महिला मंडल, पार्श्व बहुमंडल, बाल मंडल, बालिका मंडल सभी ने उत्साह से भाग लिया। समाज के अध्यक्ष अशोक लोढ़ा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। आयोजन तय किया गया है, यह कार्यक्रम परम पूज्य धैर्य निधि महाराज साहब के निश्रा में तय किया गया है। इसमें विश्व दर्शन का आयोजन बच्चों ने तैयार किया महाराज साहब की प्रेरणा से, 3D प्रोजेक्ट, और उसके अंदर विश्व में क्या क्या चीज़ उपस्थित है उन सबका दर्शन यहाँ पर 3D और झांकी के जरिए दिखाया जाएगा। इसमें कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, कितने देव विभाग हैं, व्यवस्था है समाज की ओर से की गई। समाज के जो युवा मंच है उसकी तरफ से सारी व्यवस्था की गई है और उन्होंने महाराज साहब की मिश्रा में रहते हुए सभी को मोटिफाइड करते हुए बालिका मंडल, बहुमंडल और महिला मंडल जितने भी हमारे ग्रुप है उन सब ग्रुपों की तैयारी कराकर फिर बाल मेला का आयोजन रखा। ठीक है, आप कुछ कहेंगे भाई साहब? दो शब्द श्री संघ के अंदर आज ये एक अनूठी पहल हमने शुरुआत में पहली बार ही किया है। महाराज साहब जी की प्रेरणा से आज पहली बार हमने एक बाल मेले का यहाँ पर आयोजन किया। इसके अंदर विश्व दर्शन की एक झांकी, सुंदर झांकी बच्चों ने बनाई। पूरे विश्व का दर्शन जो इसमें किया वो पूरे बच्चों ने बहुत मेहनत से मुंह जबानी पढ़ पढ़ के सबको सुना सुना के उसका पूरा सार बता रहे हैं। इसके साथ ही
सूर्य रत्न महिला मंडल बहुमंडल। बढ़ती महंगाई को लेकर झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी ने नेशनल हाईवे पर मिनी सचिवालय के सामने कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा ने बताया कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतें बेरोजगार ने आमजन की कामर तोड़ रखी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट, सार्वजनिक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर निजीकरण सहित कोविड-19 का कुप्रबंधन के कारण देश का हाल बेहाल हो रहा है। लेकर के आज झालावाड़ जिला कांग्रेस के आह्वान पर आज यहां धरना प्रदर्शन दिया गया है और आज सभी वक्ताओं ने, हमारे पूरे जितने भी जिले के वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने यहाँ विस्तार से केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी और उनकी जितनी निंदा की जाए, क्योंकि उन्होंने योजनाओं में इन चीजों को लिया है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो। गंगा थाने के रावण गुड़ादी निवासी युवक जो कि कल शाम को परासली गांव के नजदीक बहने वाली सिपरा नदी पर बने डैम को छलांग लगाते हुए पार कर नदी के दूसरी तरफ जा रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। तहसीलदार शिव नारायण रावत ने बताया कि सुबह जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने मौका मुआयना किया और खोज का कार्य शुरू किया है। SDRF की टीम को भी सूचना दी गई, टीम को घटना स्थल बताकर खोज कार्य शुरू करवाया गया। जैसे ही पुलिस प्रशासन और नागरिक प्रशासन को इसकी सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर इन्होंने मौका मुआयना किया और SDRF टीम को सूचना दी और खोजबीन अभियान चालू करवाया। तो हमारे साथ यहां पर उपस्थित है गंगधार तहसील के तहसीलदार श्री रावत सर, हम इनसे फीडबैक लेते हैं। सर बताएं, क्या कार्यक्रम चालू कर रखा है यहाँ पर खोजबीन? हमने NDRF की टीम को बुला करके और उसकी जो युवक कल गया था खोजबीन करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर SDRF की टीम आ चुकी है और खोजबीन। झालावाड़ पोषण अभियान के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा पोषण माह पोषण मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुरेश गुजर, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका झालरापाटन की पार्षद कविता गुजर, कार्यक्रम के अध्यक्षता उप निदेशक महिला व बाल विकास विभाग महेंद्र चंद गुप्ता, जिला स्तर से पोषण अभियान से जिला समन्वयक नटवर सिंह झाला, जिला परियोजना सहायक अंकित शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रकाश चंद सोनी द्वारा किया गया। झालावाड़ ACP ने झालरापाटन सदर पुलिस थाने में कार्रवाई करते हुए झगड़े के मामले में राजीनामा करवाने को लेकर पुलिस कांस्टेबल के दलाल नाथूलाल सुतार को 10,000 की रिश्वत लेते दर दबोचा, तो वहीं मामले में आरोपी पुलिस कांस्टेबल सुरेश गुजर मौके से फरार हो गए। सारे मामले में ACP की SP भवानी शंकर मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले के परिवादी शिवराज मेघवाल, जो कि सदर थाना इलाके के मोतीपुरा गांव का रहने वाला है, उसने ACP टीम झालावाड़ को शिकायत की थी कि उसने तोलखेड़ा गांव के एक व्यक्ति से मारपीट के मामले में सदर पुलिस थाने में शिकायत की थी, जिसमें कुछ दिनों बाद उसका राजीनामा भी हो गया था। लेकिन राजीनामा करवाने की एवज में सदर पुलिस थाने के कांस्टेबल सुरेश कुमार गुर्जर ने 35,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 16 सितंबर को 10,000 रुपये कांस्टेबल ने ले लिए थे। उसके बाद आरोपी कांस्टेबल दलाल नाथूलाल 10,000 रुपये लेते हुए ट्रैप किया गया। वहीं आरोपी कांस्टेबल सुरेश गुर्जर गिरफ्तार करने के लिए ACP की टीम का चकमा देकर मौके से फरार हो गया। आवर राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौसमी बीमारियों के साथ वायरल बुखार, डेंगू के मरीज बड़ी संख्या में इलाज हेतु आ रहे हैं। कंपाउंडर अनिश मोहम्मद ने बताया कि जांच करने के बाद डेंगू बुखार के मरीजों को भवानी मंडी चिकित्सालय झालावाड़ भेजा जा रहा है। कम लक्षण पाए जाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। करावन में आशा सेक्टर में मीटिंग संपन्न हुई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करावन पर आशा सहयोगिनी की मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राहुल आचोलिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, प्रशासन गाँव के सघ अभियान, राजश्री योजना, मौसमी बीमारियों, एंटी सर्वे, नसबंदी आदि पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला टीकाकरण मॉनिटर गुलजार मंसूरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर नरेश कुमार आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे बंधु कचोरी एवं मिस्टर भंडार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एवं मिस्टर भंडार, हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित
मावे की मिठाइयां मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टॉकीज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। कमला रिसोर्ट होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स, सेमी डिलक्स रूम। शादी व पार्टी बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकीज के पास, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर संतोष काग्या, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420581, 9694643148। बालकृष्ण रेजिडेंसी होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स व्यवस्था। शादी व पार्टी की बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकीज परिसर, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर रामेश्वर, जिनका मोबाइल नंबर है 9887105911, 7597462260।